कई जनों काट दिया मुई भाई ना। मेरा नाम जहूर हसन खान है, मैं राजद्वारा मस्जिद पीलू रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा घर खुला हुआ था, बराबर घर भाई के घर में आया था तो वो छत पे ऊपर मेरे घर से चढ़ के बराबर छत मिली मेरे भाई के ऊपर आ गया। वो धड़पड़ धड़पड़ आवाज़ें आ रही थी, भाई बोले देखो कौन है, मिलता है मुझे पता नहीं, घर में तो भाई मौजूद है कौन है, बोले झटके देगा कुत्ता था। मैंने कहा भाई कुत्ता कुत्ता, और कुत्ते ने जब आवाज़ सुनी और मेरे पास आया, मेरे पास आके फ़ौरन उसने ये मेरे पकड़ लिया पूरा जख्मी, अब नहीं छोड़ता वो जी। तो फिर मैंने दोबारा से कोशिश छुड़ाने की तो छोड़ के फौरन मेरी उंगली पकड़ ली, अब उंगली नहीं छोड़ता मेरी, सब पूरा ये अच्छी तरह पकड़ लिया, अब कोई चारा नहीं था। तो फिर मैंने उसको दूसरा हाथ से दोनों ऐसे जाबड़े पकड़ के खींच दिए, खींच के और फिर मैंने उसकी गर्दन पे घुटना रखा, फिर मैंने भाई को आवाज़ दी, भाई आ गए। बड़े भाई आने के बाद उसके मुँह में एक डंडा फंसा दिया जी, डंडा फंसा के फूंक तने और भाई ने उसकी टांग तोड़ दी, दबादी पकड़ के अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में हमने उसको गले में एक फंदा बांधा है और बड़ी रस्सी बांधी है और एक टांगे पर पहले पेट में बांधा फिर टांगे बांधी, अब वो हमारे पास ही है, हमने बांध के रखा है उसको। अच्छा, अगर आज मरा हो गया वो पूरी चार ताकत नहीं उसके पास अभी। तो कितने लोगों को काटा है लगभग कुत्ते ने? अब ये लोग बता रहे 25 लोगों से यहाँ पता चला है काटा है। पेशेंट तो मरीज आ रहे हैं कुत्ते के, क्या मामला है ये? अभी मेरे पास जो खबर मिली है मुझे 25 पेशेंट से ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं, 30 तक हो गए लगभग ये, और हर जो है 2 मिनट में एक पेशेंट आ रहा है। किसी कुत्ते ने जो है इन लोगों को लगातार काटना शुरू करा है, ये जो है कुछ पेशेंट मेरे पीछे भी खड़े हुए हैं, आगे भी MOT में हैं और हाथ वाथ सब काट दिए हैं, उंगलियां भी खा गए हैं। तो ये किस जगह काट रहा है कुत्ता, कौन सी जगह है ये तो जो है पेशेंट ही बता पाएंगे, लेकिन जो है यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, कोई मस्जिद है उसके नज़दीक में है, राजद्वारे साइड। लगभग 30 लोग के करीब, 30 लोग से ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक।